नमस्कार, मैं रंजन कुमार अमृत दी अमृत दी न्यूज से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन में आपकी एक पुस्तक नदी की प्रेम कथा का विमोचन हुआ है। अपना परिचय देंगे मैम? जी, मेरा नाम सुमेधा पाठक हुआ। जी, मैं व्याख्याता हूँ। मैं शिक्षा विभाग बीएड कॉलेज है यहाँ तपेंदु हायर स्टडीज, वहाँ मैं पढ़ाती हूँ। और साहित्य लेखन और शिक्षा की पुस्तकें दोनों, दो धारा नदी की तरह जो है दो पार्ट है मेरे, तो दोनों को साथ लेकर के मैं आगे पढ़ती हूँ। साहित्य में भी दखल है और शिक्षा में भी दखल देने की कोशिश में लगी हूँ। इस पुस्तक का नाम, शीर्षक जो रखा गया है नदी की प्रेम कथा, यह शीर्षक रखने की प्रेरणा कैसे मिली आपको? नदी की प्रेम कथा शीर्षक, मैं ईमानदारी से बताऊं कि बड़ी बहन के तरह जो है, आपने नाम सुना होगा डॉक्टर भूपेंद्र कलसी का। जी, हाँ, तो मेरे पुस्तक की समीक्षा उन्होंने ही लिखी। भूमिका में उन्होंने मुझे सलाह दी कि तुम्हारी ये कविता जो है पूरे पुस्तक का प्रतिनिधित्व करती है। वो देखने में वो कविता, उस कविता को पढ़ने के बाद जो है मेरी सारी भावनाएँ जो है वो एक एक करके खुल जाती हैं। मेरे अंदर की जो विचारधाराएँ हैं वो नदी के माध्यम से, नदी की धारा के माध्यम से वो पूरी तरह बह निकलती हैं। तो इसलिए जो है पूरे काव्य का, मेरे काव्य का प्रतिनिधित्व करती है वो नदी की प्रेम कथा, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा नदी की प्रेम। ये जो पुस्तक लिखी है आपको, इसकी प्रेरणा कैसे मिली कि ये लिखा जाए? देखिए, मुझे प्रेरणा पुस्तक लिखने की, ये चूँकि कविता की पुस्तक है और कविता मेरे मन में है, मैं कविता में सोचती हूँ, कविता में बोलती हूँ और जो देखती हूँ उसको मैं शब्दों में बांध देती हूँ। तो जहाँ जो चारों तरफ बिखरी हुई प्रकृति है, चारों ओर बिखरी हुई मानवता है, भावनाएं हैं, मैं उन सबको ग्रहण करती हूँ और सही रूप में मेरे प्रेरक जो हैं सो मेरी प्रकृति है। अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगी आप? मैं अपनी सफलता का श्रेय किसको दूँ? मैं अपने परिवेश को देती हूँ, मैं समाज को देती हूँ, मैं घर परिवार को देती हूँ और चारों तरफ बिखरी हुई समस्याओं को देती हूँ, विसंगतियों को देती हूँ, इन्होंने ही मुझे आगे, चुनौतियों को देती हूँ। मेरे सामने जो चुनौतियाँ आई तो वो मेरी प्रेरणा बनकर के काव्य रूप में ढल गई। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रंजन कुमार अमृत दी अमृत पटना बिहार। नमस्कार, धन्यवाद।